निधि झा के साथ काम नहीं करना चाहते पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह से भी बड़ा एटीट्यूड वाला कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में तो है नहीं। अब भाई आजकल निधि झा के टैंट्रम की जो खबरें हैं वो बड़ी ही तेजी से आ रही हैं। निधि झा तो अपने आप को भोजपुरी की बड़ी हीरोइन मानती ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका परिवार भी उन्हें भोजपुरी की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस के रूप में ट्रीट कर रहा है। खैर, हम आपको मेन मुद्दे पे आते हैं। आपको तो पता ही है कि फिल्म क्रैक फाइटर रिलीज हुई है यूट्यूब पर, और इस फिल्म को महज 3 दिनों में अच्छा खासा व्यूज मिला है। 1 करोड़ का व्यूज मिला है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती। सभी ने इस फिल्म का प्रमोशन किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन निधि झा ने ऐसा नहीं किया। जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर द्वारा सभी को ये कहा गया था कि इस फिल्म का प्रमोशन, इस फिल्म से जुड़ा हर कलाकार, हर टेक्नीशियन और इस फिल्म से जुड़ा हुआ हर मेंबर करेगा, लेकिन निधि झा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। उल्टा इस चीज को इतना अवॉइड किया कि ये सभी को समझ में आ गया कि निधि झा को इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। भाई, अब निधि झा को वैसे भी इस फिल्म से क्या लेना देना होगा, इस फिल्म की फीस तो उन्हें मिल ही चुकी होगी। जो मिलना था यानी कि फेम, पवन सिंह के साथ फिल्म करके उन्हें फेम की तलाश थी, और अब भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें हर कोई अपनी फिल्म में साइन करना चाहता है, क्योंकि वो पवन सिंह के साथ एक बहुत ही बड़ी और सुपरहिट फिल्म में काम कर चुकी है। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि वो खेसारी लाल यादव के साथ भी काम करती नजर आएंगी, और तो और प्रदीप पांडे चिंटू और रितेश पांडे के साथ भी वो कई फिल्में कर रही है। तो भाई इस तरह से वो तो डिमांड में है भोजपुरी के, और इसी डिमांड का निधि झा पूरी तरह से फायदा उठा रही है। अब उन्हें ये गलत फहमी हो चुकी है कि भोजपुरी की हर बड़ी फिल्म जिसमें वो होती है वो उनकी वजह से हिट हो रही है, बल्कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि मेल डोमिनेटेड हीरोज ही हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही है। अब भाई ऐसे में निधि झा के लिए अच्छा है कि वो अपने सारी फिल्मों को एक समान रूप से देखे, न कि फीस मिलने के बाद बड़ी फिल्म को भूल जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।